हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं अटल बिहारी से रिलेटेड या UPUMS यानी कि CP नेट का फॉर्म फिल किए, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ हाउ मैनी प्रोसेस। डेवलपमेंट इज द सम आप हाउ मैनी प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, डेवलपमेंट इज द सम टू प्रोसेस ग्रोथ एंड डिफरेंटिएशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। जो हमारी फर्स्ट स्टेप रहती है इन द प्रोसेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ की फर्स्ट स्टेज क्या रहती है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या रहता है। सीड फर्मेंटेशन, सीड डेसिकेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी। सो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन। आप लोगों ने कोई भी जैसे कि सीड हो गया, अगर सीड आप लोगों ने एक जो बोया है तो अगर इसमें सबसे पहले जर्मिनेशन होगा यानी कि सीड का जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, तो फर्स्ट नंबर पर सीड जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग लिविंग बींग। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें बताना है कि जो लिविंग बींग है उसमें ये जो चार ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि लिविंग बींग का मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट नंबर पर आता है ग्रोथ, डिफरेंटिएशन, हाइट, हर्ड। सो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ जो हमारा लिविंग थिंग है। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म नहीं दिया है, अगर आप लोगों को ऑप्शन पे मेटाबॉलिज्म दिया होता तो आप लोगों को ऑप्शन ग्रोथ को छोड़ के मेटाबॉलिज्म होता। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लोगों क्या हो जाएगा, ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग का। ग्रोथ अकर्स बाई ओनली एनाबॉलिक प्रोसेस। जो ग्रोथ होती है वो एनाबॉलिक प्रोसेस में होती है क्या, तो ट्रू है फाल्स है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, फाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जब प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इज ड्यू टू प्रेजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरिस्टम, टिशू, एपिकल, स्पेशल ऑर्गेनिस्म। में पूछा गया है कि प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ किसके प्रेजेंस के कारण होती है, तो मेरिस्टम टिशू के कारण या टिशूज के कारण, एपिकल सेल्स के कारण या स्पेशल ऑर्गन्स। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेरिस्टम। मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, प्लांट के टिप पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाई प्लांट। इसमें से आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ, द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ या फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा बी, द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसमें दिया गया कि मेरिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए, तो एपिकल मेरिस्टम, कौन सा मेरिस्टम, टिशू भी बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम या वैस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम। तो एपिकल मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम में आप लोगों को बताना है क्योंकि इसमें मेरिस्टम ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कहाँ से होती है, जैसे कि ये प्लांट हो गया, प्लांट हो गया, तो प्लांट के टिप में यहाँ पे मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू पाया जाता है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा मेरिस्टम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेटरल, वैस्कुलर एंड एपिकल मेरिस्टम या कॉर्क कैम्बियम। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, आप लोग खुद जान जाइएगा, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सिंगल मेजर रूट एपिकल मेरिस्टम। इसमें पूछा गया है कि वन सिंगल जो मेजर रूट एपिकल मेरिस्टम यानी कि जो रूट में एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है कैन गिव राइज टू हाउ मैनी न्यू सेल्स पर हावर। वन हावर में कितनी न्यू सेल्स जो है वो देती हैं, गिव राइज यानी कि कितनी राइज करती हैं वन हावर में, 1700, 18,000, 1700, 70,000, 500 या 70,000। सो ऑप्शन जो आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 70,500। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब इज ए मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स सरफेस एरिया। जो पोलन ट्यूब इज मेजर्ड, जो ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, फाल्स। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी फेजेस द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड। जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो कितने फेजेस में डिवाइडेड होती है, 1, 2, 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3 फेजेस में डिवाइडेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है द रूट एंड शूट एपेक्स ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट विच फेज ऑफ द ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए है मैचुरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टमेटिक एलिवेशन। सो ऑप्शन नंबर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टमेटिक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेरिस्टमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल बॉल्स ऑफ द रूट एपेक्स मेरिस्टम। फ्रेंड्स जितने भी एमसीक्यू हमने देखे वो बॉटनी से रिलेटेड थे, बॉटनी के ही एमसीक्यू थे। फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है बॉटनी एंड जूलॉजी से बराबर क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन बॉटनी से आ रहा है तो 10 नंबर क्वेश्चन जूलॉजी से आएंगे। सेकेंडरी इन नेचर एंड थिन सेलुलोजिक एंड अवंडेंट प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन, ऑप्शन नंबर जो ई है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी इन नेचर। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही एमसीक्यू। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम और ही अच्छे एमसीक्यू देखेंगे जो आप लोगों के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।